नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में इस्लामी मालूमात के हवाले से 11 सवालात और उनके जवाबात देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस दिन हुई? जवाब, जुमा के दिन। सवाल नंबर 2, सबसे पहले और आखिरी पैगंबर का नाम बताएं? जवाब, सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। सवाल नंबर 3, इंसान के साथ हर वक्त रहने वाले दो फरिश्तों को क्या कहते हैं? जवाब, उन फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं, यानी आमाल नामा लिखने वाले मुअज्जज फरिश्ते। सवाल नंबर 4, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? जवाब, उन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सवाल नंबर 5, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क्या काम है? जवाब, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे कयामत के दिन सूर फूंकना है। सवाल नंबर 6, तमाम फरिश्तों के सरदार कौन हैं? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 7, जिन्नात कौन हैं? जवाब, जिन्नात एक मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आग से पैदा फरमाया है, उनमें नेक भी हैं और बद भी, ये ऐसे अजीबो गरीब और मुश्किल काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना आम इंसान के बस की बात नहीं। सवाल नंबर 8, कलीमुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 9, खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 10, ज़बीहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 11, रूहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। लिहाजा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप तमामी इस्लामी भाइयों से इल्तिजा है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सदक़े जारिया की नीयत से अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।